गर्मी के दिनों में हमारे गांव में बहुत बड़ी समस्या होती है। पूरा तालाब सूख गया है, पूरा कुआं सूख गया है, इतना पानी बचा है। हम लोग बैठे हैं कचड़ा उगारने के लिए, कचड़ा साफ कर देंगे थोड़ा सा तो और पानी भरने लगेगा। गप्पू भैया का और हमारे घर में और नरेश भाई के घर में, तीनों घर में पानी जाता है इस कुआं से। एक टुल्लू पंप रखे हुए हैं। पिंदाज कितने डिग्री गर्मी थी यहाँ हमारे गाँव? 45 डिग्री गर्मी थी। बहुत तेज़ गर्मी रहती है, पूरे जानवर बंदर पानी वानी पीने वो देखो वहाँ घूम रहे हैं। यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं इतनी ज़्यादा गांव में हमारे। बबलू भाई आप कोई साफ कर रहे हैं? अब इसको सफाई करते हैं, पानी हो गया ख़त्म। ये देखो पूरा तालाब झूर पड़ा है, वहाँ पे बंदर ये चिड़िया या सब पानी पीने तो जाते हैं पर पानी है नहीं तालाब में। एक गड्ढा है वहाँ बीच में, उसमें थोड़ा सा पानी है। गर्मी की सीजन में बहुत दिक्कत पड़ती है। देखो पहाड़ों के बीच में यहाँ पे कुआ है हमारा, अम्मा पापा ने खोदा था ये कुआ। और अभी भाई सफाई चल रही है इसकी। भाई कुआ फटने लगा। सही बात है, देख लो भाई यहाँ से अभी ये थोड़ा सा दरक गया है पूरा ये दीवार। ये काम चलाऊ बनवाया हुआ है, खुद से ही प्राइवेट कुआ है ये। पानी की बहुत समस्या है हमारे गांव में, ग्राम पंचायत पांडेपुर में बहुत ही ज्यादा समस्या है। हद से ज्यादा समस्या है पानी की। मान लो पता अब यार ये बंदरों के लिए एक चराही वराही बन जाए ना यहाँ पे तो बहुत अच्छा रहेगा। क्यों पानी भर दिया करते उसमें तो ये पी लिया करते। देखो पहाड़ से आते हैं जानवर, इस पहाड़ से बंदर मुराग सब पानी पीने के लिए। यहाँ तो पानी तालाब में है नहीं है, देखो पूरा झूर पड़ा हुआ है पानी। अब हम कुआ को सफाई करवा रहे हैं, अगर सब ठीक ठाक रहेगा तो एक चराही अगले साल तक बनवा सकते हैं। अभी तो हमारा बजट नहीं है। खत्म हो गया लग रहा है भाई पानी। अब और कितना सुंदर पहाड़ है देखो। पहाड़ के बारे में तो तुमने कमेंट करके बताया ही नहीं है भाई, बता दो। पानी बंद हो गया भाई, बंद कर दे मोटर। नहीं भैया पानी नहीं है गांव में, बताओ कहाँ है पानी यार। अरे भैया वो बताओ जानवर के लिए, कह रहा कि जानवर के लिए पानी मिलता जाए। देखो हमारे गांव के बच्चों में कितनी फुर्ती रहती है, ऐसे सीधा ही चढ़ रहा है। अंकित है, अंकित मेरा छोटा भाई। चींटी है क्या? प्यास लगाई है भैया? अब पानी मंगवाता हूँ मैं, जब उस पर पानी दे गया। उस पर भतीजा जा रहा है पानी लेने। भैया थोड़ी सी कर लीजिए। हाँ तो सुबह भी आऊँगा भाई मैं। क्या यार हो रहा है वहाँ हैं इतने सारे लोग? जबारा जा रहा है क्या किसी का? जगह बना तो यार मुझे लग रहा है देखो भागवत है। देखो भागवत है। कहाँ ले जा रहे हैं भैया? देवी दाई ले जाएंगे। देखिए क्या होने वाला है, भागवत वहाँ पे रख के। गांव के लोग हैं पूरे, चला ले मोटर।
मोटर चला अभी साफ तो हो जाने दे भाई चिंगू। विश्वकर्मा जी सब लोग आए गांव के, पूरी तालाब सूखा पड़ा हुआ है और अगर तालाब में पानी होता तो वो भागवत तालाब में सिर आते। जय हो महाराज, जय हो महाराज, अच्छा पानी दे जय। हाँ जय बोली, जय माची जय हो, अच्छा पानी निकले बड़ी झेर। बबलू भाई आया है पानी लेकर, पुष्पेंद्र का बड़ा भाई, अंशु का पापा। जय भाई पानी गपना है रे भाई। देख लो इतने से गप गया भाई, खींच ले भाई, थोड़ी मेहनत कर दे, पापा का पानी पे खास थोड़ी। हाँ भाई बहुत आया यार, गिला तुमने निकाल दिया मैं बैठे बैठे। एक बाल्टी और होती जूरी तो जल्दी गर्रा बना दोगे। यही का भरे तो यहाँ पानी रोका लगी। पुनीत भाई जय श्री राम, जय श्री राम भाई, आजा भाई आप पी ले पानी जो मैं कहो। आजा भाई पियो पानी, पी लो भाई, बहुत मेहनत किया है। हो खच खच एक डाल दे बाल्टी और मा दे या पकड़ लेबे बस हुआ दाब लेबे हल्या झर भाई यार का खजवा चलो आओ। नरेश भाई पानी पीने ऊपर आ गए। आओ देखो वहां पर भागवत हो रही है बढ़िया। तो मैं से भरो हो झरे न हो निकाल रही हूं निकली रही निकाल दई रही पेरासिया का इनका पहुंच गए यही। अब गप्पू भैया उतर रहे नीचे। देखो भागवत के लोग वो अपना वहाँ पे रख देंगे। वहाँ हो रही है दीवारी, डांस भी होगा देखना। वो देखो होने लगी निकला है भैया पानी। देखो कितनी बड़ी झील निकली है। अब पानी नहीं खत्म होगा हमारे उसके लिए, इससे साफ नहीं हुआ था ना झील। अब रात हो चुकी है, रात को देखो लट्टू मंगवाए हैं। लट्टू मंगवाने के बाद अभी कुआं को साफ कर रहे हैं। अभी देखो लट्टू यार डैम जला था, लट्टू बहुत जला रहा। ओके भाई, ओके भाई, अब सही है भाई, काम चल सकता है रात को भी कुआं में। ये सीताराम आज बना रहे हैं। हाँ क्रिस ले आम लेके आया हूँ तुम्हारे लिए, पकड़ो सब आम पकड़ो। करू कराला बना रहे हो, वाह बहुत बेहतरीन बना रहे हो देख। सब्जी ऐसा तुमने कभी काटे हैं पहले?
जीवन में नहीं काटे हैं, पहली बार इतने बड़े बड़े कल्पिला काटे गए हैं।